ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली पोको M3 के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इस अपडेट में क्या नया मिलता है, कौन सा बिल्ड नंबर है, क्या MIUI 12.5 का एक न्यू अपडेट देखने मिलता है, क्या इसमें एंड्रॉइड 11 अपडेट मिलता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला। तो अगर आप लोग पोको M3 का डिवाइस यूज करते हो, कैसे आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, अभी कहाँ पर रिलीज किया गया उसके बारे में भी आप लोग को यहाँ पर बताने वाला। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, फाइनली पोको M3 के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका बिल्ड नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, MIUI 12.0.11.0। जी हाँ, यहाँ पर ये बिल्ड नंबर देखने के लिए मिल जाता है पोको M3 में। और इसकी साइज की अगर मैं बात करूं, 2.4 GB का है। अब यहाँ पर लगभग 2.4 GB की साइज है, तो आप लोग सोचोगे इसमें काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले। तो इसके अपडेट लॉग की बात करूं तो अपडेट लॉग में कुछ भी नहीं है गाइज, जस्ट एक सिक्योरिटी पैच अपडेट है। यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट दिया गया है और यहाँ पर छोटे मोटे बग से उनको फिक्स किया गया, सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव की गई है, बस यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं किया गया अपडेट लॉग में। पता नहीं अपडेट की साइज फिर इतनी ज्यादा क्यों है, ना ही इसमें एंड्रॉइड 11 अपडेट मिलता, क्योंकि यहाँ पर क्यू देखने के लिए मिल जाता है बिल्ड नंबर में। अगर आर होता तो एंड्रॉइड 11 होता, बट यहाँ पर अभी भी एंड्रॉइड 10 का ही अपडेट मिलता है, ना ही एंड्रॉइड 10 है, ना ही MIUI 12.5 का अपडेट है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये अपडेट फिलहाल के लिए ग्लोबल साइड में रिलीज किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर ये पार्शियल रिलीज किया गया ग्लोबल साइड में पोको M3 डिवाइस में। तो जिनके पास पोको M3 का ग्लोबल वेरिएंट है, तो आप लोग जाओ सेटिंग में, जाओ सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर चेक करो। अभी थोड़ी देर पहले ये अपडेट रिलीज किया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग को ये अपडेट मिला है तो डाउनलोड करके तुरंत अपडेट कर लेना, और अगर नहीं मिला है थोड़ा सा वेट कर लो, 3 या 4 दिन बाद फिर से आप लोगों को OTA के थ्रू अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर इसकी लिंक्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए। यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए। तो अपडेट में तो कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। अब यहाँ ग्लोबल में जब नॉर्मल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिला है पोको M3 में, तो MIUI 12.5 का अपडेट, एंड्रॉइड 11 का अपडेट, और कितना ज्यादा टाइम लगेगा ये अपडेट आने में वो तो शाओमी के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो हो सकता है इंडिया में भी आप लोग को एक न्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोग को MIUI 12.5 का ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा इंडिया में। जी हाँ, कुछ डिवाइस ऐसे जिनके लिए इंडिया में सबसे पहले MIUI 12.5 के अपडेट मिले हैं, उसके बाद ही यहाँ पर ग्लोबल साइड में अपडेट देखने के लिए मिले। जैसे Redmi 8 सीरीज की बात करूँ, तो पहले इंडिया में रिलीज किया गया था, उसके बाद Redmi 8 सीरीज के लिए ग्लोबल में रिलीज किया गया था। तो उसी तरीके से पोको M3 के लिए भी हो सकता है कि इंडिया में MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने के लिए मिल जाए। तो देखते हैं, अब शाओमी के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ पर ये अपडेट इंडिया में कितनी जल्दी रोल आउट होता है वो अपडेट आने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 अपडेट के बारे में आपको जल्दी एक वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो पसंद है इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।